Hey, hi everyone, this is Gaurav Tiwari and I welcome you again in this series of Aptitude where we are discussing profit and loss. पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पर बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन रहता है. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है, बाय द वे इजी नहीं रहता है, हमने उसको इजी बना दिया था आपके लिए, है ना. किस टाइप से क्वेश्चन होता है कि एक चीज को पर्टिकुलर एक्स अमाउंट पर बेचने पर उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होता है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है. तो हमसे प्रॉफिट पूछा जाता है या फिर उतने ही परसेंट का बेचे, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन हो जाता है कि इस टाइप एक चीज को इतने रुपए पर बेचा जिसके कारण से उतने ही परसेंट लॉस हो गया जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी. दोनों के केस में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था. प्रॉफिट वाले केस में नंबर को हम दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं. पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आना चाहिए और उनका डिफरेंस 10 आना चाहिए, जबकि लॉस के केस में उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई तो वही आना चाहिए लेकिन उनका सम 10 आना चाहिए. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट्स सी. ऑन सेलिंग एन आइटम एट ₹1120 द पर्सन फेसेस अ लॉस ऑफ 20% ऑन व्हाट प्राइस. This is on what price he should sell item to get 40% profit. देखिए ये क्वेश्चन नॉर्मल मेथड से भी हो जाएगा लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आइटम को सेल किया गया 1120 रुपीस पर, मतलब कि हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है. सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 1120. द पर्सन फेसेस द लॉस ऑफ 20%, 20% का लॉस हो गया. ठीक है, तो लॉस परसेंट कितना हो गया यहां पर? 20% लॉस दिया है. फिर पूछा गया है कि ऑन व्हाट प्राइस ही शुड सेल टू गेट 40% प्रॉफिट. तो अगर उसको 20% का लॉस झेल लिया, अगर उसको 40% का प्रॉफिट कमाना होता तो कितने रुपए का बेचे? तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कितने का खरीदा था. तो खरीदने के लिए यहां पर देखिए सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस परसेंट दिया है. यहां पर हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं विद द यूज ऑफ 6th फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था. क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 1 लॉस परसेंट अपॉन 100. इसमें पुट करके आप सीपी निकालेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस आएगी आपकी, फिर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में रख के जो कि होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी. वहां पे आप पी की वैल्यू रख देंगे, पी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां पे 40 पुट कर देंगे, कॉस्ट प्राइस जो यहां से आएगी रख देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा. लेकिन देखिए ये एक लेंथी मेथड है, इसमें बहुत टाइम लगता है. हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड्स. लेट्स सी. देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक ये है. ऑन सेलिंग एन आइटम एट ₹1120, ठीक है, 1120 रुपए में बेचा. सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कितने में बेचा, ठीक है, मल्टीप्लाई. फिर आपको क्या देखना है? फिर आपको देखना है द पर्सन फेसेस अ लॉस ऑफ 20%. ऑन व्हाट प्राइस ही शुड सेल टू गेट 40% प्रॉफिट. तो देखिए मेरा फॉर्मूला क्या कहता है. सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि भाई कितने रुपए में बेचा है, 1120 आपने ये लिख लिया. इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, ऊपर आपको ये देखना है कि कितने का उसको प्रॉफिट या लॉस चाहिए, मतलब जो बाद में दिया हुआ है. बाद में क्या दिया हुआ है? ऑन व्हाट प्राइस ही शुड सेल टू गेट 40% प्रॉफिट. तो हमें बाद वाला देखना है कि बाद में क्या दिया हुआ है. बाद में क्या दिया हुआ है? 40% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचे. तो जो भी दिया हुआ है अगर वो प्रॉफिट है, अगर वो प्रॉफिट है तो आपको 100 से प्लस करके लिखना है, और अगर लॉस है तो 100 से माइनस करके लिखना है. आप बताइए क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए यहां पे 40% का प्रॉफिट. इसको 100 में प्लस करके लिख देंगे हम तो जाएगा 140. नीचे क्या लिखेंगे? नीचे ये वाला लॉस ऑफ 20% उसको हुआ था इस पे बेचने पे, लेकिन ये लॉस दिया हुआ है, इसको 100 से माइनस करके लिख दीजिए. तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80. फिर से एक बार समझाता हूं. सबसे पहले क्या लिखना है? ऑन सेलिंग एन आइटम एट ₹1120 ये लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय कितने का प्रॉफिट या लॉस चाहिए उसको ये देख लीजिए. कितने का प्रॉफिट चाहिए? 40% का प्रॉफिट चाहिए. तो 40% का प्रॉफिट चाहिए इसलिए इसको 100 से प्लस करके लिखा है. और पहले क्या हो रहा था? द पर्सन फेसेस अ लॉट ऑफ 20%, तो इसको 100 से माइनस करके लिखा है. बस इसको सॉल्व कर लीजिए. 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 2 से 70 टाइम्स में चले जाएगा, 2 2 2 से 35 टाइम्स में, 2 1 2 दिस विल बी 56. ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 56 इंटू 35 30 25 26 27 28 18 16 0 16 9 1, दैट इज 1960 रुपीज. दिस इज द आंसर. हमेशा यही आंसर होगा, हमेशा यही आंसर आएगा. क्वेश्चन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर्मूला क्या बनाया हमने? सबसे पहले जो भी चीज हमें दी गई कितने में बेचना है, लेट्स से x, वो लिख लिया, प्लस कितने में बेची उसने x, वो लिख लिया. फिर बाद वाला, ठीक है, बाद वाला प्रॉफिट या लॉस,
ठीक है, और नीचे पहले वाला प्रॉफिट या लॉस, लेकिन ये कैसे लिखना है, 100 से प्लस या माइनस करके। अगर लॉस दिया है तो 100 से माइनस करके, प्रॉफिट दिया है तो 100 से प्लस करके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी टाइप का और चुटकी बजा के उसको भी सॉल्व कर देता हूं। चलिए, अब क्वेश्चन ये है, ऑन सेलिंग एन आइटम एट रुपीज, लेट्स से दिया है 460, ठीक है, ऑन सेलिंग एन आइटम एट रुपीज 460, अ पर्सन गेट्स अ प्रॉफिट, फेसेस अ लॉस, नहीं यहां पे गेट प्रॉफिट कर दे रहा हूं, गेट प्रॉफिट ऑफ 15%, ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा इसको बेचने पर, 15% का, ऑन व्हाट प्राइस ही शुड सेल टू गेट 20% प्रॉफिट। मतलब एक चीज को 460 रुपए पर बेचने पे कितना प्रॉफिट हो गया, 15%, तो उस चीज को कितने में वो बेचे कि उसको क्या हो जाए, 20% प्रॉफिट। बहुत इजी है, सबसे पहले क्या लिख लिया, कितने में बेचा है, 460। बाद वाला देखो, बाद वाला क्या दिया है, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, इसको 100 से प्लस करके लिख देंगे क्योंकि प्रॉफिट दिया है। यहां पे भी देखिए, ऊपर भी प्रॉफिट दिया है, पहले वाला भी, तो इसको भी 100 से प्लस करके ही लिखेंगे, 115, 5 से काट पर उसको, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 20, दिस इज नथिंग बट मेरे ख्याल से ये हो जाएगा आपका 480। दिस इज द आंसर, एक सेकेंड के अंदर आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास। देखा आपने कितना इजी है, समझ में आया आपको 480 आंसर कैसे आया। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ट्रिक आपको समझ में आ गई, जो दिया है वो लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय बाद वाला प्रॉफिट या लॉस 100 से प्लस या माइनस करके, अपॉन पहले वाला प्रॉफिट या लॉस 100 से प्लस या माइनस करके। आई होप दैट इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। नाउ यू विल कमेंट डाउन बिलो द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि एक चीज को बेचा गया 500 रुपए में, ठीक है, एक चीज को बेचा गया 500 रुपए में और लॉस हो गया 20% का, ठीक है, एक चीज को बेचा गया 500 रुपए में और हो गया लॉस 20% का, तो उसको मैं कितने में बेचूं कि मुझे 20 नहीं, मुझे तो 50% लॉस करवाना है अपना, ठीक है, उस चीज को कितने में बेचा जाए कि मेरा 50% का लॉस हो जाए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक आइटम को 500 रुपए में बेचा और मुझे 20% का लॉस हो गया, तो मैं कितने रुपए में उसको बेचूं कि मुझे 50% का प्रॉफिट नहीं, 50% का लॉस हो जाए, ठीक है, 50% का लॉस हो जाए। चलिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस क्लास, यू लव द ट्रिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। दिस इज गौरव तिवारी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।